नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। तो आज मैं आया हूँ उज्जैन अपने शहर में। आज के व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं पहले कि जिसने पुणे ट्रिप का व्लॉग नहीं देखा वो देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा फ्लाइट से ट्रेवल दिखाया था और पुणे का मॉल एक्सप्लोर करके दिखाया था। और आप दिल्ली सीरीज भी देख सकते हैं। दिल्ली सीरीज में पूरा जितना भी मैंने अभी तक दिखाया व्लॉग में आप देख सकते हैं। देखा आपने, कैसा लगा? बहुत ही सुंदर। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अभी है गणेश चतुर्थी, तो इस टाइम पे मैंने सोचा उज्जैन शहर जो एक धार्मिक शहर है, तो यहाँ पर आपको उस शहर में मैं आपको गणेश जी के दर्शन कराऊं। वैसे तो गणेश जी हर जगह आजकल लगाए जाते हैं, पर उज्जैन ऐसा धार्मिक शहर है कि यहाँ पर हर गली में गणेश जी की स्थापना करी जाती है। बहुत मजा आएगा आज के व्लॉग में। इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। तो भाई भगवान गणेश जो उनका नाम है गणेश जी, उनका नाम का अर्थ है कि बाधाओं को दूर करने वाले। तो उनके नाम से क्लियर आपको समझ में आता है, विघ्नहर्ता है ना, इसलिए बोला जाता है। गणेश चतुर्थी हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था, है ना। ऐसे तो भगवान गणेश जी के टोटल 108 नाम है, पर 12 नाम बहुत फेमस नाम है। इनमें से बताता हूँ आपको 12 नाम कौन कौन से। सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाश, विनायक, धूम्र केतु, बालचंद्र, गजानन और गणाध्यक्ष। ये 12 नाम है जो प्रमुख नाम है इन 108 नामों में से। सुन के अच्छा लगा। तो भाई इस दिन क्या होता है, जो अपने मंदिर होते हैं, घर होते हैं और आसपास की जगह होती है, उनमें लोग ना गणेश जी की प्रतिमा लाते हैं और बहुत ही हर्षोल्लास से गणेश उत्सव बनाते हैं, ताकि उनके जीवन में सफलता उनको प्राप्त हो, खुशी रहे और जितने भी विघ्न वो दूर हो सके। भाई बहुत से लोग तो इस पर्व में व्रत भी रखते हैं, है ना। सही पकड़े हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार वेदव्यास जी ने भगवान गणेश जी से महाभारत ग्रंथ लिखने का आग्रह करा था। तो उन्होंने महाभारत ग्रंथ लिखा लगातार 10 दिनों तक। 10वें दिन उन्होंने महाभारत ग्रंथ लिखकर खत्म करा। 10वें दिन अनंत चतुर्दशी थी, है। तो ऐसा माना जाता है कि 10 दिनों तक उन्होंने महाभारत का ग्रंथ लिखा, इसलिए हम गणेश चतुर्थी 10 दिनों तक मनाते हैं। बात तो सही है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में ये तय करा कि गणेश उत्सव सार्वजनिक रूप से पूरे भारत देश में बनाया जाए। अरे तो उनके शुरुआत करने से ये हमारे भारत देश में सब जगह गणेश उत्सव बनाना प्रारंभ हुआ। तो इस स्टार्टिंग में 1893 की बात है, उस टाइम पर सबसे पहले, है ना, पहले तौर पर पूरे इंडिया में इतने बड़े लेवल पर बनाया गया था गणेश उत्सव। और अब देखा जाए तो सब जगह बनाया जाता है, सब जगह गणेश जी की प्रतिमा रखी जाती है, घरों में, है ना, मंदिरों में और अन्य जगहों पर। तो ऐसे इसका एक्सपांशन हुआ भाई, और आजकल तो फंक्शन भी होते हैं। तो इसी बात पर स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में बेसिकली मैं आपको उज्जैन की अलग अलग जगह दिखाऊंगा जहाँ पर अलग अलग गणेश जी विराजमान है। बहुत अच्छा लगेगा भाई। ये व्लॉग उज्जैन वासियों के लिए तो है ही, पर जो उज्जैन के रहने वाले बाहर है, बाहर रहते हैं, उनके लिए भी है। और जो उज्जैन आना चाहते हैं, उज्जैन को देखना चाहते हैं, उनके लिए भी है ना। तो इस व्लॉग में काफी मजा आएगा। तो आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को और शेयर करें। और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक बायो में। और आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। भाई ने बोला करने का तो करने का। क्या बोल रहा है? जलवा है हमारा।
तो भाई पूरे दिन का सफर कर चुके हैं और आज का आपको मैंने पूरे उज्जैन शहर के अलग अलग गणेश जी दिखाया, अलग अलग जो जगह थे आपको मजा आया होगा, थोड़ा ट्रैवल भी दिखा दिया इस बार ने, है ना। जैसे आपको मैंने कॉस्मोस का एरिया दिखाया, टावर चौक का दिखाया और आपको बहुत कुछ दिखाया, तो काफ़ी मज़ा आया होगा आपको इस गणेश चतुर्थी पर उज्जैन के गणेश जी देखकर। उज्जैन शहर का था एक दिन का। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में अपन कंटिन्यू करेंगे दिल्ली से, ठीक है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज के व्लॉग में इतना ही, जय हिंद।